राजधानी पटना में नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक जो होनी थी वो बैठक हो चुकी, खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 11 एजेंडों पर इस बैठक में मुहर लगी है और वो जो एजेंडे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी है। और आपको बता दें कि राजधानी पटना में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। इस बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें और ये कैबिनेट की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता निषेध फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। निषेध, 11 एजेंडों पर मुहर लगी है, जानना चाहेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे। निषेध, निषेध क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? और इसमें कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगी है। गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग हो, वित्त विभाग हो, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तो कुल 11 जो एजेंडे हैं उन पर मुहर लगी है। गृह विभाग की अगर बात करें तो बिहार पुलिस के PTC प्रशिक्षण उत्तीर्ण सिपाही रैंक के पुलिस अधिकारियों को अन्य राज्य की तर्ज पर अब अनुसंधान की शक्ति जो प्राधिकृत है वो अब की गई है और इसके संबंध में आज कैबिनेट से मुहर लगी है। साथ ही गृह विभाग में राज्य में हो रहे यौन शोषण से संबंधित आपराधिक घटनाओं, मृतक की पहचान स्थापित करने, बच्चे की चोरी, अदला बदली एवं पितृत्व मातृत्व के मामले की जाँच के उद्देश्य से भी बिहार राज्य में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में DNA प्रशाखा का एक एक यूनिट स्थापित करने के लिए राजपत्रित कोटि के अंतर्गत कुल 14 पदों के सृजन से प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगी और अब से कुछ देर पहले ही जो कैबिनेट सचिव है सिद्धार्थ, उन्होंने तमाम जानकारी दी है कि किस किस एजेंडों पर मुहर लगी है। बिल्कुल निश्चित, जैसा कि आपने बताया 11 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। निश्चित कुल मिलाकर देखिए महत्वपूर्ण बिंदु ये भी रहा कि कानून व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा, इसके लिए पूरी पहल की जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार कोशिश की जा रही है और जो PTC प्रशिक्षण उत्तीर्ण सिपाही हैं उनको अब अन्य राज्य की तर्ज पर अनुसंधान की जो शक्तियां दी जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के लिहाज से भी कहे तो जो पुलिस अधिकारी है उनको और जो सुविधाएं हैं वो भी दी जा रही है। साथ ही साथ एक्टिव मोड पर बिहार सरकार भी है और कोशिश है कि किस तरीके से अपराध पर नियंत्रण किया जा सके उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जा रही है और उस रणनीति के तहत आज एक एजेंडे पर भी बिल्कुल एजेंडे पर मुहर लगी है। निश्चित, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। पटना के बिहटा थाना इलाके